आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का मैथ का थर्ड चैप्टर। जो है थर्ड चैप्टर की दो एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। 3.3 एक्सरसाइज जो है 3.4 और 3.3, वो दोनों कुछ सम अदर क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ दूसरी क्वाड्रिलेटरल हैं उनके ऊपर डिपेंड हैं। तो पहले हम उन क्वाड्रिलेटरल को ही डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सम अदर क्वाड्रिलेटरल्स। कुछ अन्य चतुर्भुजें, मैं उनकी आपको टाइप बताऊंगा और उन क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी क्या है ये बताएंगे। फर्स्ट हम करते हैं, सबसे पहले हमारा है स्क्वायर। हिंदी में इसको हम वर्ग बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। इसकी फिगर है जो स्क्वायर का, आप सभी जानते होंगे वर्ग को। ऑल साइड्स, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जो मैंने निशान बनाया है ये शो कर रहा है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। और क्या होता है इसमें, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, मींस वो बराबर भी होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैं राइट डाउन करता हूं यहां प्रॉपर्टीज ये काम आने वाली है आपके। नंबर वन, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू डी ए, इस चीज को नोट करेंगे। सेकेंडली, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सभी कोण समकोण होते हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डायगनल्स, विकर्ण जिसको हम बोलते हैं, डायगनल्स जो है दोनों के, एक डायगनल ए सी होगा एक बी डी होगा, डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ मींस दोनों डायगनल जो है वो बराबर होंगे, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी। नंबर फोर, द डायगनल विल इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल दोनों एक दूसरे को काटते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या है, डायगनल्स बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना, आधा आधा करना। दोनों डायगनल, एसी डायगनल बीडी को आधा आधा करता है, आधा हिस्सा इधर आधा इधर, और बीडी एसी पर, दोनों डायगनल आपस में दूसरे को आधा आधा करते हैं और जहां पे वो काटते हैं दूसरे को वहां पे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये स्क्वायर की है। कुछ प्रॉपर्टी आप जानते, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। जो एडजेसेंट एंगल हैं, साथ लगते हुए एंगल हैं, ए का एडजेसेंट बी और डी है, तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का भी 180 होगा और इन दोनों का भी 180 होगा। सेकंड है हमारे पास रेक्टेंगल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं आयत, बड़ा सिंपल सा है, हम यूज करते रहते हैं इसको मैथमेटिक्स में, तो खास करके ये शेप होती है। एक पोर्शन इसका बड़ा है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, और छोटे पोर्शन को ब्रेड्थ बोलते हैं, बी बोलते हैं, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। तो मैं इसका भी नाम रख देता हूं ए बी सी डी।
मैं एक लाइन लगा रहा हूं, दिस मार्क शो दैट वन वन मीन्स ये दोनों जो लाइंस हैं सेगमेंट है एसी एबी और सीडी, ये दोनों बराबर होंगे। इधर से लाइन सेगमेंट बीसी और एडी दोनों बराबर, मीन्स द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स उल्ट भुजाओं का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर होता है, उल्ट भुजाओं का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर होता है। प्रॉपर्टी लिखते हैं हम इसकी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज आपको समझ ना आए तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, मीन्स अपोजिट पेयर कौन से है भैया, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, आप जो भी लिख सकते, ये दोनों अपोजिट पेयर हैं, दूसरे के सामने हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड है स्क्वायर की तरह देखिए, इसके भी सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इज 90 डिग्री ईच, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी कोण बराबर होते हैं और जो प्रत्येक कोण का माप है वो 90 डिग्री होता है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी डायगोनल्स देखिए इसकी, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मींस दैट इज डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। नंबर फोर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देखिए यहां पे एक बात देखने वाली है, ऊपर वाली लाइन में हमने लिखा था द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, और नीचे लिखा है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करते थे और जहां पे बाइसेक्ट करते थे पॉइंट वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, यहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, जैसे AC BD को आधा करेगा और BD AC को, लेकिन 90 डिग्री के एंगल यहां पे नहीं बनेंगे, ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री, ये कंफर्म है पहले ही, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज एट पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में हम पैरेलल का निशान डाल के GMB लिखते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इसी के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपके। शेप कैसी होती है देखिए इसकी, वही प्रॉपर्टी उठाएंगे सीरियल वाइज ही हम, यहां से आप समझ गए होंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, ये वाला पेयर इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, बट समथिंग इज डिफरेंट। देखिए नंबर वन, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal and parallel, विपरीत भुजाओं का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर है और समांतर है, और समांतर है सेम या बराबर भी है और समांतर भी है, दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD,
एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए एंड बी सी इज पैरल टू डी ए, यानी कि वो समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, मैंने पहले बताया आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए जो एंगल्स हैं हमारे, ये देखिए अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मींस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे इक्वल है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, मस्ट नीडेड द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ adjacent angles is 180 degree or are supplementary, इनको supplementary भी बोलते हैं, supplementary, clear है। next है इसका diagonals जो इसके हैं, देखिए ये डायगनल तो आपको पता, डायगनल क्या होता है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने से जो साइड बनती है वो डायगनल होता है। नंबर फोर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे को आधा आधा करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पैरेललोग्राम में चाहिए, जो हम यूज करेंगे। साइज में मैं रिपीट करता हूं, देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इस ए इज इक्वल टू एंगल सी, बी इज इक्वल टू एंगल डी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ए प्लस बी 180, ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180 एंड सी प्लस डी 180, जो हम यूज करने वाले हैं। तो ये है आपका पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट दो तीन शेप्स हमारे पास और बचती हैं जो हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से पहले हम रोम्बस करते हैं। रोम्बस, रोम्बस कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। हमारी जो फोर्थ है वो रोम्बस, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समचतुर्भुज। देखिए वही दो डायगोनल होते हैं, वही साइड्स होती हैं, ये आपकी समचतुर्भुज है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। प्रॉपर्टी लिखते हैं हम इसके, All sides are equal. All sides are equal means that is AB equal to BC equal to CD equal to DE. After that, a rhombus has all the property of a parallelogram. मैं बार बार उनको लिखूंगा, वो हम पहले लिख चुके हैं, जो पैरेललोग्राम में लिखी हैं, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप जब नोटबुक में नोट डाउन करेंगे आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, आप जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं सीरियल वाइज पॉइंट बना के उनको ही लिखेंगे। मैं बार बार रिपीट करूंगा, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करता है। तो अगर कंफ्यूजन है तो
तो मैं ये प्रॉपर्टीज पूरी ही लिख देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट देखिए प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, ऑल साइड आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। सेकंड क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नंबर थ्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, डायगोनल एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, आपको यहां दिख रहा होगा 90 डिग्री का कोण बनता है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी रॉम्बस की, डायगोनल मेक द एंगल हाफ एट ईच वर्टेक्स, डायगोनल हर वर्टेक्स पे एंगल को आधा कर देते हैं। मींस यहां पे ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, देखिए 1 1 ये दोनों बराबर है, 2 2 ये दोनों बराबर है, 3 3 ये दोनों बराबर है, 4 ये दोनों बराबर। तो जहां पे भी डायगोनल्स मिले हैं वर्टेक्स पे उन्होंने एंगल्स को आधा आधा कर दिया है। मींस ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारी जो है प्रॉपर्टीज है रोम्बस की। नंबर 5 हमारे पास, अब हम करते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब भी बोलते हैं, समलंब। फिगर क्या है इसकी, देखिए फ्रॉम द फिगर, ये और ये साइड पैरेलल है। प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। हमारे पास अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, एक पेयर ये है एक पेयर ये, दोनों में से कोई भी एक पेयर जिसका पैरेलल हो उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर दोनों पैरेलल होते तो ये पैरेललोग्राम बन जाती, एक पेयर पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी सेम है। देखिए सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर not bisect, diagonal intersect each other, ये सिर्फ एक दूसरे को काटते हैं, bisect नहीं करते हैं। बस trapezium के बारे में हमें यही जानना है और कुछ नहीं है। लास्ट जो हमारी है वो है kite, kite, इसको हिंदी में भी kite ही बोलते हैं। kite का मतलब आप समझते होंगे पतंग, पतंग। क्यों बोलते हैं पतंग इसको, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो पतंग के टाइप की होती है और इसीलिए इसको पतंग बोलते हैं। नाम रखते हैं ए बी सी डी, एक विकर्ण ये है भैया इसका, एक विकर्ण ये। प्रॉपर्टीज लिखिए, थोड़ा सा इसको हमने समझना है। जो इसकी कंटिन्यूस साइड है ये एडजेसेंट साइड है, pairs of adjacent sides are equal, that is देखो figure से हमें clear लग रहा है, अब adjacent ये और ये दोनों adjacent है लेकिन हमें साफ दिख रहा है ये दोनों equal नहीं है। कौन सी equal है, ये और ये equal है, ये और ये equal है, this and this is equal, this and this means AB is equal to AB, AD, AB is equal to AD and BC is equal to CD, ये जो है इक्वल है।
डायगोनल एसी, नंबर टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं ना, तो वो आधा कर रहे हैं, लेकिन वो जहां पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का